नमस्कार सभी को। क्वेश्चंस ऑन अद्वैत वेदांता मिनी सीरीज में आपका स्वागत। तो चलिए हम और एक प्रश्न लेते हैं। व्हाई डज डिजायर अराइज एज पर अद्वैत वेदांता? तो अद्वैत वेदांत के अनुसार जो है इच्छा, जो है इच्छा का जनन जो है, हाँ इच्छा जो पैदा होती है मन में, वो क्यों पैदा होती है? तो इसका समाधान देने से पहले मैं योग शास्त्र का अभिप्राय लेना चाहूंगा। तो योग शास्त्र में या पतंजलि योग सूत्र में एक सूत्र आता है, अविद्या अस्मिता रागा द्वेषा अभिनिवेशा पंचक्लेशा तयेव पाशा। तो योग शास्त्र के अनुसार अविद्या क्या है? अविद्या जो है यहाँ पर योग शास्त्र में, मैं यहाँ पर बताता हूँ, योग शास्त्र में अभिप्राय ये है कि जो साक्षी है, साक्षी अपने आप को शरीर समझना ही अविद्या है योग शास्त्र के अनुसार। ये अविद्या है, ठीक है। और जब साक्षी जो है अपने आप को शरीर मन आदि समझता है, तब इच्छा पैदा होती है, ये योग शास्त्र बताता है। तो इस साक्षी को पुरुष कहा गया है और शरीर आदि पंचभूत वगैरह जो भी है उसको प्रकृति कहा गया है। तो पुरुष और प्रकृति की संधि की वजह से यहाँ पर जो है, यहाँ पर हमें एक ख्वाहिश, एक इच्छा, एक डिजायर पैदा होता है, उसका जनन होता है। तो अद्वैत वेदांत के अनुसार क्या है? क्या अद्वैत वेदांत यही कहता है? हमें अगर हम भाष्य पढ़ेंगे तो पहले तो ऐसा ही लगेगा कि अद्वैत वेदांत ऐसा ही कह रहा है, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि वहां पर जो शंकराचार्य जी अपने भाष्य में विस्तार में बताते हैं कि पहले हमें क्या लगता है, पहले हमें लगता है कि हमसे अलग जो है यहाँ पर कोई विश्व है, यहाँ पर कोई प्रपंच है, यहाँ पर कोई दुनिया है, वर्ल्ड है, हमें ऐसा लगता है। हाँ, तो जब हमें ऐसा लगेगा कि यहाँ पर कोई वर्ल्ड है, यहाँ पर कोई दुनिया है, तो दुनिया की चीजों में कुछ चीजें ऐसी होगी जो हमें लगेंगे कि वो हमें आनंद देती है। और जब हमें लगेगा कि वो चीज हमें आनंद देती है, तब हम में लगेगा कि मैं चाहूं कि वो चीज मेरे पास हो। हाँ, तो ये है प्रोसेस। तो इसका मतलब जो भी हम में इच्छाएं आई है, वो इच्छाएं किस कारण आई है? वो अपूर्ण भावना से आई है, क्योंकि मैं अपने आप को अपूर्ण समझता हूं, क्योंकि ये जो है, ये सारा का सारा जो है, ये मुझसे भिन्न है, ये मेरे स्वरूप से भिन्न है, क्योंकि मैं समझता हूं कि ये सारा का सारा विश्व मेरे स्वरूप से भिन्न है, इसलिए मुझ में जो है ख्वाहिश पैदा होती है, इच्छाओं का जनन होता है मुझ में। तो यही कारण बताता है अद्वैत वेदांत। तो ये था प्रश्न का समाधान। और एक प्रश्न से मिलते हैं, तब तक के लिए अलविदा।